गुरु गोविंद दो खड़े काके ना दूपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, कबीरा गोविंद दियो बता। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन, आपका अभिवादन करते हैं कार्यक्रम सद्गुरु कबीर का ज्ञान। ये कार्यक्रम जो है पाक्षिक है और इसमें हर बार आप बहुत सीख पाते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे दर्शकों, यह प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और इस तरह ये चलता रहता है, जन्म मरण ये तो चलता ही रहता है। तो दर्शकों, महात्मा कबीर जी ने बहुत सुंदर वर्णन की है हमारे जीवन जो है ये कैसा चलता है, और जीवन में केवल हमको भौतिक साधन जुटाना नहीं है, हमें आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है, इसके लिए क्या करना है, आइए हम सुनते हैं आचार्य महंत संत सर्वेश्वरदास महाराज जी शास्त्री जी से। सत्य नाम श्री सद्गुरुवे नमः, सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। आप सभी को सादर विनयपूर्वक नमन, साहेब बंदगी। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा विषय है वह है सद्गुरु का आवाहन, कॉल ऑफ सद्गुरु। सद्गुरु कबीर साहेब बार बार हम सब लोग सद्गुरु को स्मरण करते हैं, परमात्मा को स्मरण करते हैं, और यह संसार जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है, मन को प्रिय है, और इस संसार से हम कभी जाना नहीं चाहते, लेकिन संसार में हम आए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में सद्गुरु कबीर साहेब प्रस्तुत भजन के माध्यम से बतला रहे हैं कि यह संसार कैसा है। जैसे सेमल एक वृक्ष होता है, उसमें जो फूल लगते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, और उस वृक्ष के उस फूल के अंदर में उस वृक्ष में उस फूल के अंदर केवल रुई भरा होता है, उसके अंदर कोई स्वादिष्ट कोई फल नहीं है। देखने में लगता है कि इसके अंदर जब इतना सुंदर फूल है तो इसका फल भी बहुत स्वादिष्ट होगा, किंतु इसी आशा में हम इस संसार में रहते हैं कि संभवतः इस सुंदर संसार में हमें अनेक अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, लेकिन जिन सुखों के पीछे हम भागते हैं, जिन सुखों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वे सुख हमें एक दिन दुख ही प्रदान करते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में, यदि हम किसी दृश्य को देखते हैं लेकिन लगातार देखते हैं तो हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार संगीत हम सुने जो हमें प्रिय है, और उच्च स्वर में अगर हम हाई वैल्यू में सुनते हैं तो हमारे कान खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम कोई स्वादिष्ट जो हमें प्रिय है ऐसे आहार को हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारा पाचन क्रिया खराब हो जाती है। यह संसार देखने में, सुनने में, समझने में सहज रूप से लगता है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिय है, किंतु यदि संयम नहीं है तो यही संसार हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जब हमने जन्म लिया तो हमने परमात्मा से प्रतिज्ञा की कि हे परमात्मा, इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, लेकिन यह संसार की जो सुंदरता है इसके अंदर में जितने सुख और विलास के साधन हैं वे हमें भुला देते हैं परमात्मा को, और हम इसी कार्य में लग जाते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुखों को प्राप्त कर सकें। इंद्रिय सुखों के पीछे हम सदा अनवरत रूप से लगे रहते हैं पूरे जीवन, और अंत में होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पड़े अविद्या में सोने वाले खुलेंगी आँखें तुम्हारी कब तक, क्योंकि ये सद्गुरु का आवाहन है, और अपने शिष्यों को सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे इस यात्रा में लगे हुए साधक भक्त हंसजन, अपने जीवन में अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और इस जीवन की यात्रा को सुखमय बनाते हुए इसको आध्यात्मिक रूप से भी इसको पूर्ण करें। क्योंकि अविद्या, अविद्या का अर्थ होता है माया। अविद्या वह है जिसमें हम सुख की अनुभूति करते हैं, सुख की अनुभूति
मानसिक रूप से होती है, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि पैर को सुख मिल रहा है, हाथ को सुख मिल रहा है, आँख कान को, लेकिन ये इंद्रियां अपने सुखों को भोगती हैं जब तक उसके साथ मन जुड़ा होता है। अगर मन उसके साथ संलग्न नहीं है तो हम इंद्रियों का उपयोग करके भी उस सुख का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए मन के द्वारा ही सभी सुख हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जब यह मन अविद्या के साथ जुड़ता है तो यह अविद्या केवल सांसारिक सुखों तक सीमित हो जाती है और उस अविद्या के माध्यम से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में चले जाते हैं। इसलिए आवाहन कर रहे हैं कि परमात्मा के शरण में, शरण में आने की सद्गुरु की, अर्थात परमात्मा के शरण में तुम कब आओगे, कब तक तुम इस संसार में अविद्या में भटकते रहोगे, कब तक इस प्रिय के मार्ग में लगे रहोगे, कब तुम श्रेय के मार्ग में आओगे, इसकी शिक्षा, इसका आवाहन हमें सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं। क्योंकि यह जो जीवन है हमारा, बचपन से प्रारंभ होता है बाल्यावस्था से और वृद्धावस्था मृत्यु तक इसकी यात्रा पूर्ण होती है। तो इस यात्रा में अगर हमने बचपन खेल में गंवा दिया, अगर अबोधावस्था में हमने बिता दिया तो बचपन हमारा तो व्यतीत हो जाता है। इसी प्रकार तरुणावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था यदि हमने अपने शरीर के सुखों के लिए भी अपने संसाधनों को जुटाने में लगा दिया तो युवावस्था भी बीत जाती है। इसी प्रकार से जो हमारा प्रौढ़ावस्था है, 50 वर्ष की उम्र के बाद की जो अवस्था है, यदि हमने जो अर्जित संपत्ति है उसके सुखों में, उसको प्राप्त कर जो हमने किया है सुख, उसमें अगर हमने लगे हुए हैं और हमने श्रेय के मार्ग को नहीं अपनाया तो यह जीवन भी हमारा जो प्रौढ़ावस्था है वह भी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी सुख हमें जीवन में प्राप्त हो रहे हैं उन सुखों को अवश्य ही संयम पूर्वक यदि हम प्राप्त करते हैं, उन सुखों का उपभोग करते हैं तो यह जीवन हमारा श्रेय का मार्ग बन जाएगा और इस जीवन के माध्यम से हम उस आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम चार पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थात लक्ष्य तो हमारा मोक्ष का ही है, उसी को हमें प्राप्त करना है, यही हमारे जीवन की यात्रा है। इसलिए कबीर साहब हम सबको पुकार करके कहते हैं कि ये जीवन गुरु बतलाते हैं कि किस प्रकार चलना है, लेकिन गुरु के उपदेश को यदि हम नहीं मानते हैं तो इसमें कमी हमारी है, न कि गुरु की। हमारी जो भी बड़े लोग हमें शिक्षा देते हैं उसका हम सदा अनुसरण करें। सुनो अगर ना सुनो हमारी, बनोगे सच्चे विचारी कब तक। अर्थात इस जीवन में हम विचारवान बने, वैराग्यवान बने, ज्ञानवान बने और भक्ति का आश्रय लेते हुए परमात्मा के चरणों तक पहुँचे। जय सत्यनाम, जयतु सत्य कबीरः। यस्यानंद सुधा कणेन नितराम माद्यन्ति मुक्तौरताः ये त्यक्त्वा विषयैषणाम् अभयदाम् पादं गुरुराश्रिताः ये त्यक्त्वा विषयैषणाम् अभयदाम् पादं गुरुराश्रिताः यत्साक्षात् क्रियते यतीन्द्रनिपुणैः चिन्मात्रमोदप्रदम् तद्वाचा मनसश्च पश्चिमतरम् ध्याये कबीरं महः तद्वाचा मनसश्च पश्चिमतरम् ध्याये कबीरं महः वन्दौ सत्यकबीरको चरणकमलशिरनाय जासु ज्ञानरविकरनिकर भ्रमतमदेतनशाय कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगन भूल कबीर वादिन याद कर पग ऊपर तल शीस कबीर वादिन याद कर पग ऊपर तल शीस मृत्युमंडल में आय के विसरी गया जगदेश मृत्युमंडल में आय के विसरी गया जगदेश श्री सद्गुरुवे नमः।
पड़े अविद्या में सोने वाले, खुलेंगे आंखें तुम्हारे कब तक, शरण में आने को सतगुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। गया जो बचपन वो खेल बिन है, चढ़ी जवानी ये चार दिन है। गया जो बचपन ये खेल बिन है, चढ़ी जवानी ये चार दिन है। समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, रहोगे ऐसे अनाड़ी कब तक, शरण में आने की सतगुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वाले, खुलेंगे जब अटारी और चित्रकारी मिली मनोहर है तुमको नारी। अजब अटारी और चित्रकारी मिली मनोहर है तुमको नारी, बढ़ी है दौलत की जो खुमारी, बढ़ी है दौलत की जो खुमारी, रहोगे ऐसे ही जारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वाले, खुलेंगे आंखें तुम्हारी कब तक, शरण में आने को सतगुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। जो या गया दिख है कर्म नाना, फल है इन्हीं का सुख स्वर्ग पाना। गया दिख है कर्म नाना, फल है इन्हीं का सुख स्वर्ग पाना। मिटे न इनसे भव आना जाना, मिटे न इनसे भव आना जाना, सहोगे संकट ये भारी कब तक, शरण में आने को सतगुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वाले, खुलेंगे आंखें तुम्हारी कब तक। कबीर तो कहते हैं ये पुकारी, मगर तुम्हीं को है अख्तियारी। कबीर तो कहते हैं ये पुकारी, मगर तुम्हीं को है अख्तियारी। सुनो अगर ना सुनो हमारी, सुनो अगर ना सुनो हमारी, बनोगे सच्चे विचारी कब तक, शरण में आने को सतगुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वाले, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक।
पड़े अविद्या में सोने वाले, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। जय सत्यनाम, जय तु सत्य कबीर। आशा करते हैं कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम में। हमारी ओर से आप सबों को नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके ना दूपा बलिहारी।